गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार, हम तुम लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं कि मैम पढ़ा रही थी, तुम लोग यार जवाब नहीं दे रहे थे, ऐसा क्यों क्यों भाई, ऐसा कैसे? चलो बस एक मिनट दो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। देख के बताओ भाई, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? यस सर। यस सर। चलो बहुत ही अच्छी बात है। शैलजा आई एम फाइन, अश्मिता गुड इवनिंग बेटा, जतिन गुड इवनिंग, प्रतिभा गुड इवनिंग बेटा। अच्छा कुछ बच्चों ने रिप्लाई दिया था, कुछ ने नहीं दिया था। कोमल गुड इवनिंग, ईशा गुड इवनिंग, आई एम फाइन बेटा, मीनाक्षी, कनिष्का, आयुषी, मुस्कान, आकाश गुड इवनिंग बेटा, शैलजा, कनिका गुड इवनिंग, स्नेहा, ओशियन गुड इवनिंग, मीनाक्षी, पायल, कोमल, कनिष्का, सिमरन, जिज्ञासा, मेघा, आकाश। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं। रुचिका, दिशा, महक गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया? यस सर। ओके प्राची, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग दीपिका, गुड इवनिंग शालिनी, प्रतिभा। लास्ट क्लास में लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट कर लिया था, आज हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करेंगे। अर्षी बेटा गुड इवनिंग, सृजल, वंशिका गुड इवनिंग, मुस्कान, ऋतिका गुड इवनिंग बेटा, फाइन, सब मजे में? अरे बहुत अच्छी बात। क्या कह रहे हो जिज्ञासा? एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वाला चैप्टर दोबारा? एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा दिया गया तुम्हें? हमने तो नहीं पढ़ाया बेटा, मैम ने पढ़ाया। तनिष्का आई एम फाइन बेटा, अच्छा मैम ने पढ़ाया, तो वो तुम लोगों को नीड लग रही है दोबारा पढ़ने की एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला? चलो ठीक है, हम ट्राई करते हैं, ठीक है आयुषी? ओके कोमल, ओके। यार देखो, अगर एक एक चैप्टर सारे लेके बैठेंगे फिर से तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा, सिलेबस अपना पीछे रह जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट जो हमारे चैप्टर रह गए पहले उन्हें करेंगे, वो थोड़े से ही बचे हुए उन्हें जल्दी से करके फिर तुम्हारे जो भी चैप्टर रह गए उनका जल्दी से हम रिवीजन करा देंगे, ठीक है? इतनी तो बात। तो भैया देखो, आज किसी का जोश कम तो नहीं है, सारे ही करवा दें यार। देखो सारे करवाएंगे तो बेटा फिर सिलेबस में समझ रहे हो इलेवेंथ का रिवीजन नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि तुम्हें ट्वेल्थ के चैप्टर जल्दी से फिनिश करवा के एक बार इलेवेंथ का रिवीजन करवाना है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, कोऑर्डिनेशन आपका हाफ हुआ है, ठीक है? देखते हैं यार, हम देखते हैं, हम आपका पूरा एक शेड्यूल बना लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट है, कौन कौन से अभी इनकम्प्लीट है। तो जैसे अभी बच्चे ने बोला कोऑर्डिनेशन आधा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन को पहले कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद हम लोग डीएनएफ पढ़ना है, इसके बाद क्या करेंगे कोऑर्डिनेशन को हम पूरा स्टार्टिंग से करा देंगे आपको फिर से, जितना होगा सब थोड़ी दो, ठीक है? देन उसके बाद जो ऑर्गेनिक के बच्चे उन्हें फिनिश कर लेते हैं, देन क्या करेंगे फिर उसके बाद अपने पास जो तुम्हारे तुम जो बोल रहे रिवीजन के लिए उन्हें फिर हम लोग एक एक करके कर लेंगे। डोंट वरी, कदे परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है? उसके बाद अगर तुम परेशान होंगे तो फिर तुम्हें परेशान नहीं होना, मतलब बनी नहीं, ठीक है? लैपटॉप भैया लग चुका है चार्जिंग पे, क्वेश्चन बेटा करेंगे बिल्कुल, थैंक यू बेटा। चलो भाई बातें हो गई है बहुत, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है। आप चैप्टर का नाम डाल दो, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट आज पढ़ेंगे हम लोग। आयुषी क्या कह रहे हो सर, एक क्वेश्चन है यूजेस ऑफ एल्युमिनियम, बट एल्युमिनियम के तो बर्तन ही बनते हैं, एल्युमिनियम के वायर बनते हैं, बहुत सारी चीजें, एल्युमिनियम की कोटिंग होती है, समझ गए? एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम की ऑक्साइड लेयर आ जाती है जिससे वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है, तो एल्युमिनियम का बहुत सारा यूज किया जाता है, बर्तन बनते हैं। सर्वाइकल पेन बेटा बहुत ज्यादा ही है, मतलब चल ही रहा है, अभी तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते जस्ट हमने भी एक टैबलेट खाई है जिससे वो चक्कर आना थोड़ा कम हो। गुड इवनिंग मानवी बेटा, गुड इवनिंग। चलो भाई, तो चैप्टर का नाम चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है?
और डी एंड एफ ब्लॉक में आज हम लोगों ने डी ब्लॉक अपना कल कंप्लीट कर लिया था, आज पढ़ेंगे एफ ब्लॉक और आज ही चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आज हमारा टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। और बस थोड़ी सी शांति बनाए रखना। नैना बेटा गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग, हाँ यार आज हम एकदम फुल जोश में, बिल्कुल सही पहचाना, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे चैप्टर को जल्दी से फिनिश करेंगे और इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने हेडिंग डाली होगी, आई थिंक लास्ट क्लास में हमने आपको हेडिंग डलवाई थी एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो आप उसी हेडिंग को कंटिन्यू करो, लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट। सभी बच्चों से हम दरख्वास्त करेंगे कि क्या कहते हैं आप लोग क्लास में बने रहें, सो दैट आपका मैथ ब्लॉक एक ही बार में करा देंगे। छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल जरा सा चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो जो चीजें पूछी जाती है वो आपको बता देंगे। मेन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लैंथेनाइड और एक्रिलेट सीरीज का सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बताना होता है, कुछ और भी चीजें वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट तुम लोगों को पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट थे, तो डी ब्लॉक में बेटा कितनी सीरीज थी, चार है ना, एक तुम्हारी 3D, एक थी 4D, एक थी 5D, एक थी 6D सीरीज। तो भैया 5D सीरीज में एक तुम्हारा एलिमेंट है जिसका नाम था लेंथनम, और 6D में एक एलिमेंट है जिसका नाम था एक्टिनम। तो लेंथनम के बाद का जो एलिमेंट था उसमें ऐसा देखा गया कि उस वाले एलिमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी या फिर जो प्रॉपर्टी शो कर रहा था वो एफ ब्लॉक की शो कर रहा था, कहते उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा था, एफ ऑर्बिटल या फिर एफ शेल में आ रहा था। ऐसा कितने एलिमेंट में हुआ, लेंथनम के बाद के ऐसे 14 एलिमेंट में देखा गया, ऐसे एक्टिनम के बाद के ऐसे 14 एलिमेंट में देखा गया कि डी ब्लॉक के ही एलिमेंट है। ध्यान रखना एफ एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है उन्हें भैया डी ब्लॉक एलिमेंट से ही उठाया गया है। तो जो डी ब्लॉक सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के 5D, ये कौन से है, ये हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की, तुम्हें पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। तो तुम्हें पता है डी ब्लॉक के अंदर कितनी सीरीज है, चार सीरीज है, 3D, 4D, 5D और 6D। तो 5D में लेंथनम और 6D में एक्टिनम के बाद के 14 जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज या फिर उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस था, एफ ऑर्बिटल में आ रहा था, इसलिए उन्होंने उठा के एक नई सीरीज में नए ब्लॉक में रखा गया, नाम दिया गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है इतना, ठीक है। एक को बोला गया लेंथेनाइड सीरीज, एक को बोला गया एक्टिनाइड सीरीज, क्यों, क्योंकि लेंथेनम के बाद थे 14 एलिमेंट तो लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट थे तो एक्टिनाइड सीरीज। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात बिल्कुल ही क्लियर है। गायत्री हम लोगों ने 5D तक इसलिए की थी बिकॉज हमारे सिलेबस में 6D नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आप ग्रेजुएशन में भी 6D नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ओके चलो भाई, तो आपको क्या करना है एफ ब्लॉक के बाद यहाँ पे हेडिंग डालो पीरियड नंबर 6, ठीक है, पीरियड 6। हेडिंग डालो, अगर हम बात करें कि ये कौन से पीरियड में आते हैं, तो एक आता है 6 पीरियड में जिसे बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, और एक आता है पीरियड नंबर 7 में, एक आता है पीरियड 7 में जिसे बोलते हैं हम लोग एक्टिनाइड सीरीज। तो भैया लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज दो सीरीज हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। सही से लिख देते हैं साफ साफ, थोड़ा दूर दूर, एक हो गया लेंथेनाइड और एक हो गया अपने पास एक्टिनाइड, ठीक है। इन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हम लोग लेंथेनाइड, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग एक्टिनॉइड। अब भाई देखो, अगर तुम चाहोगे तो उसमें ट्रिक तुम्हें इसकी बहुत सारी मिल जाएंगी, अलग अलग ट्रिक मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मेरा काम है कि चीजों को थोड़ा आसान बना के याद करो, क्यों ही इतनी, हाँ बेटा वही बताने जा रहे थे, चलिए थोड़ा सा पेशेंट बनाए रखें, कृपया करके थोड़ा सा पेशेंट बनाए रखो, ट्रेन कहीं नहीं जा रही, यही है, ठीक है। हाँ तो ट्रिक यार बहुत है याद करने की, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे याद करते हो, हमने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में याद कर रखा है, जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है बेटा, जैसे मैं लिखूं मैं, तो मैं को लिख दूंगा MAI, मैं आज तुम लोगों को, तो ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो बेटा वैसे ही व्हाट्सएप राइटिंग में बस क्या करना है, हमें ये याद कर लेने हैं, कैसे देखो बेटा ऐसे याद करेंगे, सी पर, जैसे मंत्र होता मंत्र वैसे देखो, सी पर नट पम सम यू गुरु डाई हो एटम जब लू, समझ गए स्वाहा, समझे। तो मंत्र मंत्र की तरह हमने याद कर रखा है, सी पर नट then pump, then sum, then you good, C for nut pump sum, you है, ठीक है, you good, तब die हो अर्टम यब्लू, ठीक है, अर्टम यब्लू यब्लू। तो हमने तो भैया पहली वाली जो तुम्हारी लेंथनाइड सीरीज से याद कर रखा है बिल्कुल मैसेज राइटिंग की तरह, कि C पर nut pump sum you good तब डाई हो अर्टम यब्लू, सी पर नट पम सम यू गुड तब डाई हो अर्टम यब्लू। तो हो सकता है हंसी आए बट हमें हंसी नहीं आती, क्योंकि हमें ट्रिक पता है, हमें चैप्टर आता है, मेरे क्वेश्चन लग रहे हैं, बस बात खत्म। अब हमने किस तरीके से याद कर रहा है ये मैटर नहीं करता, हमें याद है मैटर ही करता है, ठीक है भैया। ऐसे ही तुम्हारे आती है लेंथेनाइड के बाद एक्टिनाइड सीरीज, हमने इसे भी ऐसे याद कर रखा है, देखो हमने ऐसे याद कर था पा यू नब
work stuff us from mud nola us from mud mud nola Lawrence सर एक बार रिपीट कर दो बेटा बस एक सेकंड हम आपके लिए लिख भी दे रहे हैं डोंट वरी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है देखो यार इस वाले के लिए लिख लो भैया लिखो थोड़े पापड़ ठीक है यू नापो पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में फिर ऐसे फरमाओ मदन नूडल लाओ एक बार लिखा हाँ बड़ा वही बता ही रहा है ठीक है मदन नूडल लाओ तो बेटा इस वाली सीरीज को आप इस तरीके से याद कर रखे हो कि थोड़े पापड़ यू नापो पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे फरमाओ मदन नूडल लाओ ठीक है अब इसका कोई तुक नहीं बनता है देखो भैया इसका कोई तुक नहीं है ठीक है लेकिन हमें तो याद करना है कैसे याद करने के लिए कोई भी ट्रिक है तो बस वही ट्रिक है ये क्या थोड़े पापड़ यू नापो पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में और ऐसे फरमाओ मदन नूडल लेके आओ ठीक है या फिर मदन नूडल लाओ और पहले वाली सीरीज कैसे याद रखी सी पर बताओ कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब अगर हम बात करें बेटा तो सीडियम का एटॉमिक नंबर होता है 58 के बाद लिखते चले जाओ 58 के बाद क्या जाएगा 59 हो जाएगा 60 हो जाएगा 61 62 63 हो जाएगा 64 भैया 65 ठीक है 66 67 68 69 हो जाएगा 70 हो जाएगा 71 अश्मिता हम बहुत जल्दी बोल रहे हैं अब हम बहुत धीमे धीमे बोलेंगे ठीक है अब हम एक भी चीज छोड़ेंगे बहुत जल्दी बस ठीक कोई बात नहीं धीमे धीमे बोलते हैं देखो बेटा सी पर नड पम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम यब्लू बेटा ऐसे पढ़ लो ना जैसे ये लिखा हुआ है सी पी आर क्या बोलोगे पर नड पम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम यब्लू ठीक समझ गए लिख दे चलो यार लिख देते हैं सी को क्या लिखेंगे सी को तो सी ई लिखेंगे सी पर अलग कलर से लिखते हैं चलो लिख के दे सी ई को तो ऐसे लिखोगे सी पर सर हिंदी में लिख दो हिंदी में लिख दो चलो भैया लो हिंदी में लिख दे हिंदी चाहिए बच्चों को हिंदी है हम बता सी पर मुझे बेटा हिंदी में याद है वैसे पता तुम लोगों को सी पर नड पम सम यू यू कैसे लिखेंगे यार यू लिख लो सी पर नड पम सम यू गुड कैसे लिखेंगे गुड तब डाई हो अरटम यब्लू अर यब्लू कैसे लिखते हैं यब्लू अलग अलग लिखा जाएगा हिंदुस्तानी है यार कैसी बात कर रहे हो बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम पृथ्वी का कोई बात नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं टम यब्लू हमें बेटा कोई दिक्कत नहीं आप चाहे हिंदी बोलो चाहे आप इंग्लिश बोलो आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ इश्यू ठीक है आज मैं तुम लोगों से नाराज हो गए बेटा हम देख रहे थे तुम लोग मकारी देने लगे हो इतना बढ़िया बैच था ये बिगड़ रहा है ये बैच अब कितनी तारीफ होती तुम लोग पता तुम लोगों की होती थी लेकिन अब तुम लोग बदतमीजी दे रहे अब तुम लोग जो है पढ़ाई भैया कर नहीं रहे चलेगा नहीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं बोलना तो मैसेज मत कर देना मुझे कि हमने सर करा है हमें पता है तुमने करा है हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो नहीं पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे 61 बच्चे अभी हैं नेट नहीं चल रहा मैं वही बोल रहा हूँ ठीक है वही बोल रहा हूँ मैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हाँ भैया तो देखो यार इधर आ जाओ बातें नहीं करो बतिया आया ना करो जल्दी जल्दी
बिल्कुल सही बात है आकाश, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। चलो अब आप इतने मैसेज करते हो भैया, पढ़ने दो फिट जाओगे इधर, इतना बोल लिया करो तो कितना सही रहे, है ना, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। कैसे बेटा याद करेंगे, देखो फिर से देखो, सी पर नट पम सम यू गुड द डाई हो टम ब्लू, थोड़े पापड़ यू नापा पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ऐसे फरमा मदर नूडल लाओ। जल्दी से बेटा इतना लिखो फटाफट, बहुत तेजी में, फिर इसके आगे का तुम्हें आगे की चीजें बताएं, ठीक है, जल्दी से लिखो बेटा। डन सर। ठीक है अगर तुम लोगों ने इतना लिख लिया है तो आप क्या करो बेटा, आप इसके बाद तुम क्या करो, इसके जो एटॉमिक नंबर है वो लिख लो। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना पता किसी को? थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 90, ठीक है, उसके बाद इसका होता है 91, और यूरेनियम कितना होता है 92, 93, 94 है भैया, 99 नहीं, ठीक है बेटा, 93 के बाद 94, 95, यार मैंने लिख दिया बेटा 95, 96, 97, 98, देखो थोड़े पापड़ यू नापो, ठीक है, पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ऐसे फरमाओ मदर नूडल लाओ। ठीक, इतनी बात हो गई भैया, इतनी बात हो गई। तो तुम्हें यार बात यह है कि तुम्हें क्या है, तुम्हें भैया सिक्स मतलब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड यानी कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट याद हो गए, ठीक है, हाँ हम क्लास घर से ले, हम ऑफिस में थे, स्टार्टिंग में तुम्हारी क्लास में आए भी थे थोड़ी देर के लिए, फिर हम घर चले आए क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा जल्दी छुट्टी। इतना हो गया, अब बात करते हैं बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, तो अब हेडिंग पड़ेगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा ध्यान रखना एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एन माइनस टू का एफ, एन माइनस टू एफ, फिर क्या लिखेंगे एन माइनस वन डी, ठीक है, एन माइनस टू एफ, एन माइनस वन डी, भैया बातें आपस में करने थोड़ा कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यहाँ हमसे करो, हमसे पूछो जो पूछना, आपस मत आओ तो टीचर मुझे मना करेगा ही, ठीक है, और फिर एन एस, एस में कितने वन से लेके टू, डी में कितने होंगे बेटा ध्यान रखना, डी में सिर्फ जीरो से वन होंगे, और एफ में कितने होंगे एक से लेके 14 तक, ठीक है, ये ध्यान रखना, और हम 14 बहुत गंदा बनाते हैं 4, ठीक है, तो बेटा ये तुम्हारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान रखना ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इतना है तो मुझे बता सकता है कोई, क्या मुझे कोई बता सकता है कि अगर हम लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का अलग अलग लिखना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं? देखो भैया जरा, अगर हम लेंथेनॉइड का इधर पहले समझ लो बेटा एक बार, अब मैसेज ना करो नहीं तो पिट जाओगे, एक्टिनॉइड्स, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स का अगर बेटा देखना चाहें, सर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बेटा दीक्षा, डी में वैसे तो 0 से 10 होते हैं ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है उनके लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो नहीं होगा डी में, क्योंकि डी एफ ब्लॉक एलिमेंट आर दो जिनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें हो एफ में हो। शालिनी क्या कह रही, सर मैम के अलावा किसी नहीं करते, तो शालिनी मत करो बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बेटा देखो अगर हम लेंथेनॉइड की बात करें तो लेंथेनॉइड भैया यानी कि ये यहां की एन की वैल्यू कितनी बता सकता है कोई, लेंथेनॉइड के लिए एन की वैल्यू कितनी है, पीरियड का मतलब होता है एन की वैल्यू 6 है, जो पीरियड वही तो एन की वैल्यू है, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एन की वैल्यू 7 है। तो अगर हम लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बेटा बहुत ध्यान से देखना, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि 6s2 हो जाएगा, 6s 1 से लेके 2 तक होगा कि नहीं होगा, या फिर 1 से 2 ना लिखो सिर्फ 2 लिखो, क्योंकि 6s में तो 2 ही आने वाला है, ठीक है, ये 1 से 2 ना करो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसमें आप क्या लिख दो 2 ही लिख दो सीधे ns2, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्योंकि लेंथेनॉइड के लिए बेटा एन की वैल्यू कितनी होती है 6। अब बताओ डी ऑर्बिटल कौन सा यूज करोगे, एन माइनस वन मतलब 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, हुआ कि नहीं हुआ 5, यानी कि 5d, और d में कितना आ जाएगा या तो 0 या तो आएगा 1। अच्छा अब बताओ एफ ऑर्बिटल कौन सा यूज करेंगे, एन माइनस 2 यानी कि 6 में से 2 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 4, एफ ऑर्बिटल कौन सा यूज हो जाएगा 4f, और एफ में कितने 1 से लेके 14 तक, क्या यार इतनी बात समझ में आई तुम लोग? यस सर। ठीक है, अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई तो जल्दी से मुझे क्या करो एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दो फटाफट, बहुत ही तेजी में।
सर डन। क्या लिखा बेटा बताना, क्या लिखा बोलो, एफ कौन सा यूज करोगे? 5F में 1 से लेके 14 तक। D कौन सा यूज करेंगे बेटा? 6D 0 से लेके 1 तक और 7S2। क्या यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है बेटा सबने? यस सर। क्वेश्चन क्या करो, लास्ट का रिपीट कर दे बेटा। लास्ट में बस ये बताया कि भैया लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड आपके पास नहीं आ रहे, कोई बात नहीं बेटा। हमने ये बोला कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनका ये होता है N-2F में लेके 1 से 14, N-1 DD में 0 से लेके 1 तक और NH2, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। किसका ये होता है? पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट का। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो चीजें, या तो लेंथेनॉइड या तो एक्टिनॉइड। तो अगर हम लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का अलग अलग लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे भैया? देखो लेंथेनॉइड के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है? लेंथेनॉइड के लिए एन की वैल्यू होती है बेटा 6। ये देखो लिखी हुई है, पीरियड का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल, तो यानी कि एन, एन की वैल्यू 6 है। तो तुम क्या करो, यहाँ पे एन की वैल्यू हमने क्या करा 6। अब डी कौन सा यूज करेंगे? एन माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5D हो गया। और एफ कौन सा यूज करेंगे? एन माइनस 2 यानी कि 6 माइनस 2 मतलब कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, ठीक। तो सबसे पहला काम था कि भैया जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है वो है क्या, उन्हें याद कैसे करेंगे। तो हमने एफ ब्लॉक के एलिमेंट लिख लिए, सी पर नट पम सम यू गुड तब डाई हो अटम जब्लू, और तुम्हारे ये हो गए लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज क्या है था, या फिर वही थोड़े पापड़ यू नापा पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, ऐसे फरमाओ मॉडल नूर अल्लाह। ठीक, जो तुम्हारे लेंथेनॉइड है उसके लिए n की वैल्यू होती है 6 और एक्टिनॉइड के लिए n की वैल्यू होती है कितनी? 7। उससे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, हम लोग सीधे सीधे अपने सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर इतनी चीज सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? क्या तुम लोगों को एलिमेंट याद आ गया बेटा? क्या एलिमेंट याद हो गए ब्लॉक के? अगर एलिमेंट याद हो गए तो हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलो भैया अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे लेंथेनॉइड। हम लोग क्या करेंगे, लेंथेनॉइड को देखेंगे। ठीक है, लेंथेनॉइड। ठीक, आप हेडिंग डालो लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड। और लेंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जल्दी बताओ? अभी पीछे लिखा हम लोगों ने, क्या होता है लेंथेनॉइड का बेटा बताना? 4F 1 to 14 5D 0 6S2। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो भैया, बात कुछ ऐसी है कि बात है वैसी। ठीक है, तो पहले वैसी बात की पहले ऐसी बात, पहले वैसी बात। यार देखो बात यह है बेटा कि जो तुम्हारे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हैं इनमें, ठीक है एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना। चलो भैया मेरी बात बहुत सारी बहुत ध्यान सुनो यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो जो तुम्हारे लेंथेनॉइड है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बड़ा तगड़ा वाला एकदम वेरिएशन सा है। ठीक है, मतलब ये रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। रीजन क्या है? रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर तुम लोगों ने हमसे पी ब्लॉक पढ़ाया तो तुम्हें ध्यान होगा एक टाइम आया था जब हमने तुम्हें क्या करा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाया था। अगर तुम्हें ध्यान होगा हम लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा था। ठीक है, और अगर तुम लोगों को ध्यान है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, उसी को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो क्योंकि यस ऋतिका कड़प्पा की कहानी बिल्कुल सही कह रहा हूं वाला है। हम क्या कह रहे हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने तुम लोगों को समझा दिया था। इनर्ट पेयर इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और उसी की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ही क्या होता है यहाँ पे, हाँ द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही दीक्षा एंड प्रतिभा, बिल्कुल। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, उसी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब उसी बड़े चेंज को हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब हम बोल से पूरा समझने तो बैठे नहीं क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं समझा यूट्यूब पर डालो और देखो, वहां पे हमारी वो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली वीडियो पड़ी वहां से देख लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो हम लोग इनका क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है और ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक समझे,
और तुम्हें हम ट्रिक बता देंगे तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे नहीं, है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो अपने पास ट्रिक है। तो भैया देखो, लेंथेनाइड का मतलब कौन कौन से एलिमेंट की बात हो रही है, ला, लेंथेनम कौन सा है, लेंथेनम के आगे क्या है ना, तो ला ने एले की बात कर देगा, सी देन पर नड पम देन सम देन यू देन गुड फिर तब डाई डी वाई है, ठीक है, तब डाई हो अर्टम यब अर्टम यब, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब हम तुम्हें बता दें कि भैया जो लेंथेनम है वो तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान रखना लेंथेनम तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, चाहो तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे बना लो कि भैया लेंथेनम की बात नहीं हो रही, लेंथेनम के आगे के जो 14 एलिमेंट है वो तुम्हारे ब्लॉक का एलिमेंट है, इतना क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लेंथेनम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबसे पहले क्या था 4f, फिर क्या आएगा, फिर आएगा बेटा आपके पास 5d आ जाएगा, 4f के बाद क्या आ जाएगा 5d, ठीक है, तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं 4f देन क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे 5d देन क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे बेटा हम लोग 6s, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, सबको गिनतियां आती है, सबको गिनतियां आती है ना, आती है बताओ, आती है कि नहीं आती, जल्दी बोलो, आती है ना, लेंथेनम के बेटा यहाँ पे लिख देंगे 0, 0 के बाद क्या आता है बेटा, बात सुनो ये यार, हमें ये पिंच कर रहा है मैसेज करना तुम लोगों का, हम यहाँ पढ़ा रहे तो हमें बोल दिया करो ना, क्यों मैसेज कर रहे हो यार, नहीं अच्छा लग रहा बेटा ये बार बार, पता क्या होता है, हम तुम्हें बताते, तुम लोग स्लाइड क्लास में लेते हो तो पता नहीं है, ऐसा जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अब ये स्लाइड पूरी ऊपर से नीचे आ जाती है जब तुम मैसेज करते हो, अब जब तक उसे हटाओगे ना तब तक आप आगे लिख नहीं सकते, तो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता, समझा करो, ठीक है, इतना काम कर रहे हो इससे माइक खोल के बोल दो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। अब बताओ जीरो के बाद भैया क्या आता है, वन आता है, ठीक है, वन के बाद बेटा क्या आएगा बताओ, टू नहीं आएगा, टू वन के बाद थ्री आएगा, ये मेरी गिनतियां हैं, बस हम जैसे बता रहे याद करते रहो, वन देखो जीरो, जीरो के बाद क्या आएगा वन, वन के बाद टू नहीं आएगा थ्री आएगा, थ्री के बाद क्या आता है फाइव, फोर आता है, थ्री का फाइव कौन कह रहा है, थ्री के बाद फोर, ठीक है, नहीं नहीं मेरी गिनती हम जैसे बता रहे वैसे याद करो, फोर के बाद क्या आता है बेटा फाइव, फाइव के बाद क्या आता है सेवन फिर से आएगा, अब एट नहीं आएगा, एट के बाद क्या आता है बेटा नाइन, टेन फिर इलेवन फिर थर्टीन, नहीं इलेवन का ट्वेल्व कहाँ गया, ट्वेल्व फिर आ जाएगा थर्टीन, थर्टीन के बाद क्या आता है बेटा, फोर्टीन के बाद बेटा, F में 15 इलेक्ट्रॉन भर दोगे तुम, 14 को दो बार रिपीट करना, मतलब हमने तुमसे क्या कहा, हमने कहा तुम्हें 0 से लेके 14 तक की गिनतियां पढ़नी है, लेकिन तुम क्या करोगे, दो नहीं यूज करोगे और 8 नहीं यूज करोगे, पहली चीज, 7 को दो बार लिखोगे, 14 को दो बार लिखोगे, क्या यार इतना नहीं कर सकते तुम लोग, Yes, तुम्हें क्या करना है, जीरो से लेके 14 तक की गिनतियां लिखनी है, जिसमें आप क्या करेंगे, दो का यूज नहीं करेंगे, एट का यूज नहीं करेंगे, सेवन को टू टाइम्स, 14 को टू टाइम्स, मतलब जीरो के बाद वन, वन के बाद टू नहीं आएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स फिर सेवन सेवन, एट नहीं आएगा, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फिर फोर्टीन फोर्टीन, इतना क्लियर है कि नहीं है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब देखो, अब देखो इधर जैसे इधर जीरो के बाद वन, वैसे इधर जीरो के बाद क्या आता है वन, वन के बाद क्या आता है टू, इतना ठीक है, जीरो वन टू, जीरो वन टू, बिल्कुल सही। अब मेरी बात सुनो, वन के बाद क्या करोगे, फिर से क्या लिखेंगे, वन लिखेंगे वन के बाद, ठीक है, फिर उसके बाद जीरो 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 फिर वन, फिर जीरो 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 फिर जीरो फिर वन, ठीक है बेटा, आपने रीजन प्रतिभा अभी यही तो बताया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो इतना वेरिएशन देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में। अब वो इतना वेरिएशन क्यों मिलता है, क्या मिलता है, वो हम तो पढ़ा चुके हैं, तो हमने सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को याद कैसे करना वो हम तो बता रहे हैं, ठीक है। देखो और 6s में बेटा कितने, देखो इधर देखो 6s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में 2 होते हैं, होते कि नहीं होते हैं, तो यानी कि यहां पे चुपचाप आंख बंद करके क्या करो, 2 2 लिखते जाओ। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है, हम जिसका नाम लेंगे वो ही बताएगा भैया, ठीक है भैया। दीक्षा बेटा आपको आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो बेटा EU का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलो जल्दी से, 4F में कितना लिखते हैं जल्दी बोलो, 4F7 देन 5D0 0 2 6S2, ठीक है। पृथ्वी का
एल ए जो है वो अगर तुम अच्छा अभी बताते हैं, एक चीज समझाते हैं ऋतिका, तुम्हारे डाउट को तगड़े तरीके से दूर करेंगे। ऋतिका पहले तो ये बताओ, अगर हम बताएं एच ओ का, तो एच ओ का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ जल्दी से, बोल के बताना लिखने में बहुत टाइम लगता है, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा 4F में? 4F11 देन 5T0 देन 6F। बेटा बताओ समझ में आया, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? अगर हम किसी भी एलिमेंट का तुमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछे तो बता दोगे? यस सर। बस आपको करना क्या है कि एक हमने जो ट्रिक बताई है उसे याद करना है नंबरों को, कैसे, जीरो के बाद टू नहीं लिखना, एट नहीं लिखना, जीरो के बाद गिनतियां गिनो, बस टू नहीं लिखोगे और एट नहीं लिखोगे, तो 1, 3, 4, 5, 6, 7 को दो बार, 14 को दो बार, क्या इतना याद कर सकते हो? बिल्कुल याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डीम के लिए क्या करेंगे, देखो स्पेस स्टार वाला वाला बेटा सी के नीचे 1 लिखेंगे, जी डी के नीचे 1 लिखेंगे और एल यू के नीचे 1 लिखेंगे, बस इसके नीचे 1 फिर सारे 0 फिर 1 फिर सारे 0 फिर 1। और S में तो बेटा दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो S में तो आंख बंद करके सब में क्या लिख दोगे, दो 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 ऐसे करके लिखते चले जाओगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर तुमसे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ दिया जाए, जैसे आकाश मेरे भाई बताओ तुम, कि अगर तुमसे पूछ दें कि बताओ बेटा पीएम का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, समझ गए कि नहीं समझे? अगर हम किसी से भी बोले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से किसी भी एलिमेंट का लिखना है, तो क्या तुम लिख पाओगे? यस सर। यही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तुम्हें आ गया, ठीक है। अब आप हेडिंग डालोगे सेकंड नंबर पे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन नंबर, और इतने को जल्दी से बेटा नोट कर लो साफ साफ एकदम बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो तुम्हें बता दें तुम लोगों की जानकारी के लिए कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर किसका, लेंथेनॉइड का बेटा, वो होता है +3, ठीक है। मतलब जितने भी लेंथेनॉइड है वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेंगे, वो रहना चाहेंगे +3 में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा करके हमें बना दे रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना बेटा। तो जो तुम्हारे लेंथेनॉइड के एलिमेंट है वो रहना किस में जाएंगे, +3 में, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो तुम्हारा EU होता है वो +2 में रहता है, जो तुम्हारा YB होता है वो तुम्हारा +2 में रहता है, ऐसे ही जो तुम्हारा CE है वो तुम्हारा +4 में रहता है बेटा, PR तुम्हारा जो है वो +4 में रहता है, ठीक है, ये रहा PR पर C पर, ठीक है। देन उसके बाद NAD यानी कि ND जो है वो तुम्हारा +4 में रहता है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना जैसे लिखवा रहे बिल्कुल वैसे याद करो, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए तुम्हारा नाम +4, ठीक है। उसके बाद तब और डाई ये भी क्या रहेंगे +4 में और +4 में। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुना, बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा देना बेटा, 5% दिमाग जो तुम यूज कर दो पूरा। सर आपकी वॉइस लैग कर, सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। क्या अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, ठीक है। अब मेरी बात बेटा बहुत ध्यान सुनना, देखो यार जो तुम्हारे EU +2 है और YB +2 है, ये किस में आना चाहेंगे, ये +3 में आना चाहेंगे। क्यों +3 में आना चाहेंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है, तो ये भी +3 में आना चाहेंगे क्योंकि स्टेबल फॉर्म है। ऐसे ही CE ये जितने +4 वाले ये भी क्या करेंगे, +3 में आना चाहेंगे। तो बताओ अगर +2 से +3 जाते हो, क्या कह रहा हूं सर, आपकी वॉइस लैग हो रही है, वॉइस कट रही है, रुको सर, स्लाइड भी विजिबल नहीं है। अभी देखो आ रही है? यस सर, ठीक है, ठीक है ना। चलो भाई, तो हम ये बोल रहे थे कि जो +2 वाले हैं वो +3 में आना चाहेंगे, +4 वाले भी +3 में आना चाहेंगे, क्योंकि हाँ बेटा वो मेरी वॉइस नेटवर्क का इशू था, ठीक हो गया अभी, है ना, अब सब कुछ ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि +2 वाले +3 में आना चाहेंगे, +4 वाले भी +3 में आना चाहेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ अगर +2 से +3 में जाएंगे तो ये खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। अगर +2 से +3 में जाएंगे तो खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे कि रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन। और बेटा ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं जो खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या हो जाएंगे, ये तुम्हारे पास रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, समझे?
बेटा रिडक्शन किसने बोला? अगर बेटा लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो ऑक्सीडेशन होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो? और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, चार से तीन आ रहे हो, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आपका रिडक्शन हो जाएगा। अच्छा प्लस फोर का था, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ई यू टू प्लस से ई यू प्लस थ्री में आओगे बेटा, तो ध्यान रखना ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर कोई एलिमेंट खुद का क्या कर रहा है ऑक्सीडेशन, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, बोलेंगे गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया EU2+ और YB2+ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिड्यूसिंग एजेंट, तो ध्यान रखना क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और एक छोटा बेटा, एक हाँ भाई, तो जितने ये प्लस फोर वाले हैं ये किसमें आना चाहेंगे, प्लस थ्री में। तो अगर कोई प्लस फोर से प्लस थ्री में आ रहा है, तो खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन, और खुद का रिडक्शन कर रहा है, क्या बोला जाएगा, इन्हें बोला जाएगा गुड, गुड क्या, ऑक्सीडाइजिंग, वेरी गुड, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर तुमसे पूछ दिया जाए, चार ऑप्शन दे दिए जाए, एक में सी प्लस फोर डाल दिया जाए, दो ये डाल दिया जाए, एक और कोई डाल दिया, पूछा बताया इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बता लोगे कि नहीं बता लोगे, इतना काम कर पाओगे, हिम्मत, ठीक है, अगर इतनी हिम्मत है तो बहुत अच्छी बात है। चलो बेटा जल्दी से बहुत तेजी में नोट करो, जितनी तेजी में नोट कर पाओ उतनी तेजी में नोट करो। हो गया ना सबका? यस सर। ठीक है भाई, अगर इतना हो गया तो बहुत ही मतलब मजे की बात है, ठीक है। अब हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सर नीट दे रहे हैं, हिम्मत तो है। अच्छा ऋतिका, अभी बेटा बात सुनो, देखो ऐसा है, छोटे बच्चे हो तुम सबके सब, ठीक है, नीट आप दे रहे हो बिल्कुल सही बात है, लेकिन नीट से भी बड़े बड़े एग्जाम पड़े हुए हैं, तो और फिर ये भी तुम्हारी शुरुआत है, अच्छी बात है, हिम्मत, हम तो चाहते हैं कि तुम लोग तो पेपर निकले एक ही बार, अच्छे से तैयारी करो, ऐसा दिखाओ प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट की, वो एकदम एनर्जी भरे रहो एकदम, हम जब यहाँ एकदम से मतलब स्क्रीन में आग लगते हैं, समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए, समझ रहा हूँ क्या क्या, यानी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इतना एनर्जी में रहा करो, क्योंकि अभी तुम्हारी एज में भैया बहुत एनर्जी होती है बच्चों के अंदर, समझ रहा हूँ, तो जितनी एनर्जी शो कर सकते हो उतनी, ठीक है भैया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट हेडिंग डाल दो, आयनिक रेडियस, फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, आयनिक, आयनिक रेडियस, ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग इज आयनिक रेडियस, तो बस वही ट्रेंड है आयनिक रेडियस का कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर भैया हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, यानी कि पीरियड में, तो जो तुम्हारी आयनिक रेडियस है बेटा, लिख दो यहाँ पे मैं, आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, आयनिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन किसमें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और हम तुम लोगों को बता दें, देखो सज्जन इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सर आपने ईएनसी क्या लिखा है, ENC का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज, ये बेटा इंक्रीज का साइन है, ये इंक्रीज का साइन होता है, लिख लो यहाँ पे कहीं पे, इसका मतलब है इंक्रीज, एरो ऊपर का मतलब इंक्रीज, एरो नीचे का मतलब डिक्रीज, ठीक है, बिल्कुल सही, यानी कि अगर हम ऐसे ट्रेंड लिखते हैं कि सी देन पर नट फ्रॉम सम ड्यू गुड, चाहे सब लिख लो चाहे आधे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वही है, यू गुड तब डाइ 14 एलिमेंट बार कौन लिखेगा, ठीक है, तो साइज यही रहेगा, लेफ्ट राइट जाने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, बस इतना था, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल ट्रेंड होता है वही ट्रेंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी हेडिंग डाल दीजिए, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पड़ जाएगी, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पड़ जाएगी बेसिक स्ट्रेंथ, सेकंड हेडिंग इज बेसिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ हाइड्रोक्साइड,
बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है यार, देखो अभी हमने पीछे क्या बताया, हमने पीछे क्या बताया बताओ तुम लोग, पीछे क्या बताया हमने? नहीं बता पाओगे। पीछे हमने ये बताया कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? प्लस थ्री होती है। तो अगर हम एलन लिखते हैं, एलन का मतलब लैंथेनॉइड का कोई भी मेटल, ठीक, अगर तुम उसकी OH से रिएक्शन करा दोगे तो एलन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? तीन, क्योंकि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एलन की लैंथेनॉइड की तीन होती है। OH पे चार्ज कितना होता है? वन, यानी कि वन, इसकी मल्टीप्लाई से इससे मल्टीप्लाई। कौन सा हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? एलन OH का होल ट्राइस बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? यस सर। तो भैया हिडन ट्रायल मेथड तुम्हें आता ही है ना, तो अगर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे एलन, यहाँ पे लिखते हैं OH। ध्यान रखना एलन का मतलब है क्या? लैंथेनॉइड, लिख लिया करो कहीं साइड पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो यानी कि जो हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा कौन सा बनेगा? वो एलन OH का होल थ्राइस बनेगा। ठीक है, और हम तुम्हें बताना ये चाह रहे हैं कि जब आप बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे ना, राइट जीएसटी, लेफ्ट राइट कहाँ, अपनी तरफ मत देख लेना कि इधर लेफ्ट से इधर चले जाए, ऐसे नहीं, पेरियोडिक टेबल बेटा, समझ रहे हो? लेफ्ट राइट जब जाओगे तो भैया जो तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वो क्या हो जाती है? वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस है तो एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा बता दो बेटा कि अगर CEOH का होल थ्राइस और अगर हम GDOH का होल थ्राइस, अगर हम CEOH का होल थ्राइस और हम GDOH का होल थ्राइस, इनमें बेटा पूछे कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? जल्दी बोल दो एक ही बार में। GD। अरे भैया क्या कर रहे हो सर, लेफ्ट टू राइट जाने में स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब ये देखो ये ऑर्डर होगा भाई, होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दबाजी मत करा करो, आंसर को समझ कर, ठीक है, जल्दी इतना छाप लो, टेप लो, इतना जल्दी से टेपो। देन सर। नो सर, जल्दी करो। ठीक, अगर इतना हो गया तुम्हारा तो अब हेडिंग डालो थर्ड केमिकल रिएक्शन। थर्ड हेडिंग इज स्लाइड। तीन बार हमने पूछा हो गया हो गया हो गया, यस सर यस सर यस सर, मतलब मेहनत करवानी है, मेहनत करवानी है, और हम रहे आलसी आदमी, हमसे मेहनत हो नहीं रही है। डन सर। हो गया बेटा, ठीक है, चलो अब देखो केमिकल रिएक्शन है। आकाश तो हंसी आ रही, क्या बात भैया? केमिकल रिएक्शन, R E A C T I O N, केमिकल रिएक्शन की बात, केमिकल रिएक्शन। तो बात यार ऐसी है कि बात कैसी है बताओ ना, बात कैसी है? एलन, एलन का मतलब लैंथेनॉइड का कोई भी मेटल, ठीक है भैया? तो इसकी कुछ रिएक्शन है, बराबर से बस तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम जिंदगी में काहे के लिए आओ? छापने के लिए, और छापे रहो फटाफट, ठीक है, चुपचाप से छापनी है तुम्हें, और कुछ बताना भी नहीं है। यस, गायत्री क्या कह रहा हूँ सर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शनल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होगा इसको बोलेंगे यस। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, एटम जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है तो उन्हें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, तो एटम तुम्हारा श्रिंक हो जाएगा, एटम छोटा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रप्चर। और कोई कुछ कह रहा था? प्रतिभा, ये तो मेरी तारीफ कर रही हो कि तो मेरी बेइज्जती कि सर आप भी मेरी तरह है आलसी, व्हाट डू यू मीन आकाश? चलो भाई अब इसमें क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन लिखो फटाफट जल्दी से बेटा भाई, एक तो O2 की रिएक्शन कराओ, हीट करो, ठीक है, उसके बाद आप क्या करो H2O की रिएक्शन होंगे, फिर तुम क्या करोगे एसिड की रिएक्शन करोगे, एसिड रिएक्शन जानते हो, फिर क्या करोगे H2 की रिएक्शन करा दो मतलब हैलोजिनेशन, फिर क्या करोगे N2 की रिएक्शन करा के हीट कर दो, फिर क्या करो बेटा कार्बन के साथ क्या करो इसे रिडक्शन कर दो। हाँ बेटा, वॉइस लैग कर रही है मेरी? यस सर, हो रही थी, अब नहीं होगी बेटा, अभी भी हो रही है क्या? नो सर। थैंक यू तनिष्का, ठीक है, सही आ रही है आवाज, ठीक है, चलो
तो भैया देखो, अगर आपने क्या करा, अगर आपने लेंथेनॉइड का, अब ये एलन का मतलब कोई मेटल नहीं है, इसका मतलब लेंथेनॉइड, मतलब पूरे मेटल, कोई भी मेटल उठा लो लेंथेनॉइड सीरीज का, ठीक है, ध्यान रखना, कहीं पर नोट कर लो, एलन का मतलब लेंथेनॉइड, ठीक है। तो अगर तुमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो कौन सा बनेगा बताओ, क्योंकि एलन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, तीन, मोस्ट कॉमन, तो क्या बनाएगा जनरली एलन टू ओ थ्री बनाए, क्या करे बेटा, ठीक है, माइक हम ऑफ कर देते बेटा, कुछ पूछ रहे थे क्या, आवाज कट रही है क्या, बता दो यार। देखो यहाँ पे एल एन ओ एच का होल थ्राइस बनेगा, तुम्हें पता ही, हाइड्रोक्साइड, एसिड सिलेक्शन कराओगे तो एच टू गैस देंगे, एक्स से कराओगे तो एल एन एक्स थ्री देंगे, तुम्हें रिएक्शन सब कर लेनी चाहिए, नाइट्राइड से कराओगे तो एल एन थ्री। अच्छा एल एन एन क्यों बना भैया, देखो एल एन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट थ्री है, और नाइट्रोजन में चार कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस में भी तीन, तो इससे ये, इससे ये, तो एल एन थ्री एन थ्री तो बनता नहीं है, कैंसिल कर देते एक दूसरे को, तो एक एल एन एक एन, बात खत्म आ गई, कैसे, ठीक है, ऐसे अगर इसकी रिएक्शन कराओगे तो कार्बाइड बना लेगा, एल एन सी टू बना लेगा, ठीक है, और सल्फर से कराओगे तो एल एन टू एस थ्री का फॉर्मेशन करेगा। चलो इतनी जल्दी से रिएक्शन नोट कर लो बेटा, फटाफट, बहुत तेजी, जितनी तेजी में नोट कर पाओ उतनी तेजी में कर लो, आज चैप्टर खत्म करके ही मानेंगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात, टेंशन, गाड़ी तुम्हें बिना लिए आगे नहीं बढ़ेगी, छूटोगे नहीं तुम, अरे लो इतनी जल्दी यार, हम पूरा प्रोग्राम बना चुके, हमने चाय पीने आराम से, चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा हम स्टेशन पे आ ही गए तो समोसे मोसे खरीद लिया जाए, चलो इतना हो गया। अब आप क्या करो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, ठीक है, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, थोड़ी बहुत इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद भैया चलते हैं अपने यहाँ पे एक्टिनॉइड्स। हाँ यार डायलॉग नहीं कंप्लीट करने का, अस्मिता बहुत अच्छी बात है, आप हंस हंस के पढ़ोगे तो आपको जल्दी ज्यादा समझ में आएगा ना, माइंड आपका थोड़ा शांत रहेगा, डिप्रेशन कम रहेगा, तो अच्छी बात है अगर आप इंजॉय लेके पढ़ लो, ठीक है। चलो भैया तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे, हाँ इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखो बेटा, लिखो ऑल ऑल एल एन, एल एन का मतलब जानते हो, एल एन का मतलब लेंथेनॉइड, हम बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है, एल एन का मतलब आर, लिखो आर सिल्वरी, आर सिल्वरी, हाँ आकाश, एल एन जो है वो एच टू के साथ रिएक्शन करके, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके एच टू निकालता है, ठीक है, क्या लिख रहे थे हम, लिखो ऑल एल एन आर सिल्वरी, सिल्वरी, एक सेकंड रुकना बेटा, चलो भाई तुम लोगों को ध्यान नहीं होगा जहां तक हमें पता है, हमने आपको एक बात बताई थी, हमने कहा था जो सिल्वर है, सिल्वर, सिल्वर ये कैसा वर्ड है, सिल्वर आपका एक संस्कृत का वर्ड है, जो इंग्लिश का वर्ड है वो एक्चुअल में सिल्वरी है, ठीक है, ध्यान रखना, हमने तुम लोगों को बताया था, अगर तुम्हें ध्यान रह गया हो, हमने आप लोगों को बताया था कि जो सिल्वरी है वो एक्चुअल में इंग्लिश का वर्ड है, और जो सिल्वर हम लोग बोलते हैं वो एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, तो ऑल एल एन आर सिल्वरी, व्हाइट सॉफ्ट मेटल, व्हाइट सॉफ्ट मेटल, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, सिल्वरी जो है वो एक ब्रिटिश वर्ड है, और तुम्हारा सिल्वर जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, अच्छा मतलब अगर मैंने एक बात बताया तो संस्कृत में गुड़ होंगे, यानी क्या बात हुई, नहीं भैया मुझे संस्कृत नहीं आती, लोग आते हैं थोड़े बहुत बस,
देखो SM is exception है लेकिन ठीक है, देखना SM is hard steel, ठीक है, due to strong metallic bond, strong metallic bond, ठीक है। ऐसे ही दूसरा देखो भाई, Except Na3+ and Lu3+ all are colored, ठीक है, जो तुम्हारा Na है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो उसका चल रहा है, ठीक है। Na3+ और Lu3+ को छोड़ के जितने भी हम सबके सब क्या है कलर्ड कंपाउंड होते हैं। और एक और बात क्या है कि एक्सेप्ट F0 टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन F में एक भी ना हो, ठीक है, जैसे आपका Na3+ और Fe4+ and Fe4+ and F14 टाइप, यानी कि Yb2+ और Lu3+ all are paramagnetic। इसी चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था μ=√NN+2, वहां से हम लोग मैग्नेटिक नेचर निकालते थे, तुम लोगों को ध्यान रहा कि भूल गए, पैरामैग्नेटिक क्या है, डायमैग्नेटिक क्या है, वैल्यू भी निकालते थे, μ की कितनी आएगी, जल्दी से नोट करो। 10 सर। नो सर। हेलो बेटा। नो सर बोला, हेलो बोला? नो सर। अच्छा फिर ठीक है, जतिन मुझे लगा हेलो कर दो। चलो भैया चलें क्या? डन सर। जल्दबाजी नहीं, आराम से, टेंशन नहीं। क्या करें गाड़ी, कुछ हम दोनों ने स्टेशन में रोक दिया था, गाड़ी चल रही थी, फिर गाड़ी ले चले आगे। चलो अगर इतना हो गया है तो अब देखो लेंथेनॉइड जो थे वो अपने बेटा फिनिश हो गया, अब जल्दी से हेडिंग डालो एक्टिनॉइड्स, आज ही खत्म करेंगे, देखो पहले बोल क्या है एक्टिनॉइड्स, ठीक है। देखो बेटा बात सुनो, अगर किसी को लग रहा हो कि बहुत स्पीड में पढ़ा रहे तो बता दो, अगर किसी को लग रहा हो कि ज्यादा पढ़ा रहे तो बता दो, किसी को लग रहा हो कम पढ़ा रहे तो बता दो, किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बता दो। हमने तुम लोगों के लिए चीजें बहुत आसानी से बेटा एक एक करके अलग अलग तरीके से लिख रखी है, ठीक है शालिनी आप दे दो, ठीक है, सब एकदम बढ़िया सी ट्रिक है, ठीक है। देखो पेपर ओरिएंटेड नोट्स है तुम्हारे, तुम अपने नोट्स पढ़ोगे, रिवाइज करके जाओगे, क्वेश्चन लगाओगे, तुम्हारे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। डन सर। स्लो है स्पीड। लास्ट प्रॉपर्टी रिपीट कर दें, क्या है लास्ट प्रॉपर्टी? देखा है एक्सेप्ट F0 टाइप और F14 टाइप जितने भी हैं वो पैरामैग्नेटिक होंगे। F0 का मतलब समझ लो, F0 का मतलब क्या है? F0 का मतलब है जिनमें F में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, या तो F में फुल्ली फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड होगा तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, इसमें 0 है तब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो जब अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कैसे होंगे? डायमैग्नेटिक होंगे। तो इन्हें छोड़ के जितने वो सब पैरामैग्नेटिक, मतलब ये कैसे होगा? ये होगा तुम्हारे डायमैग्नेटिक, ठीक है भैया। चलो अब हेडिंग डालो एक्टिनॉइड्स। अब अगर एक्टिनॉइड्स की बात करें तो जैसे हम लोगों ने लेंथेनॉइड याद करा था वैसे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिनॉइड भी याद कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो AC, AC वाला नहीं, ठीक है, AC एक्टिनॉइड वाला, एक्टिनम वाला AC, फिर उसके बाद थोड़े पापड़, थोड़े PH, पापड़ यानी कि P, थोड़े पापड़, यू नापो, ठीक है, NP, थोड़े पापड़ यू नापो, पुराने आम कम बिकेंगे कैफे में, थोड़े आम कम बिकेंगे कैफे में, फिर क्या था, ऐसे फरमाओ मदन नूडल लाओ, एलआर मदन लॉरेंसियम, ठीक है भाई। ध्यान रखना जैसे तुम्हारा लेंथनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं था वैसे ही तुम्हारा एक्टिनम जो है वो भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, ये तुम्हारा एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्या इतनी बात याद रख सकते हो? रख सकते हो, है कि नहीं? सर स्लाइड इज नॉट विजुअल, क्या ऐसा हो रहा है?
बेटा एक बार आप रिजॉइन कर लो, शायद आपकी तरफ नेटवर्क का इशू रहा होगा। ठीक है, अब बताओ एक्यूनॉइड के बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 5f f में कितने हो जाएंगे? 5f f में 1 से लेके 14, फिर क्या हो जाएगा 6d d में 0 से लेके 1, और क्या हो जाएगा 7h2। क्या यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था? नहीं याद है तो पीछे देख लो, अभी ही लिखवाया। ठीक है, तो भैया इसमें आ जाएगा 5f, फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा 6d, फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा 7s। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, क्लियर होनी चाहिए। और 0 0 के बाद क्या था? 1 1 के बाद क्या था? 2। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब बताओ गिनतियां आती है तुम लोगों को? यस सर। गिनतियां तो आती है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो 0 के बाद क्या आता है? 1 1। हां, मैथ्स की गिनतियां होती हैं, और क्या केमिस्ट्री में गिनतियां कब होती हैं? चलो देखो, 0 के बाद आता है बेटा 0, मेरी वाली गिनती में। ठीक है, वैसे तो 1 आता है लेकिन अपने पास आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर होगा 4। ठीक है भैया, मैसेज नहीं करो यार, रुक जाओ थोड़ी देर, इधर देख लो। देखो आकाश तो वहां से यार हंसी आ रही है। 0 के बाद 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद 4 के बाद क्या आता बेटा? 5 नहीं आता है, 6 आता है। फिर 7 कितनी बार आता है? 2 बार आता है, समझ गए? फिर 8 नहीं आएगा, फिर आएगा 9, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 और 14 आएगा। 11 का 12 भी तो है, 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 14। देखो पहले वाले में क्या कर रहा था मुझे याद दिलाते हैं, 0 के बाद क्या आया था? 1, 2 नहीं यूज करा था, 8 नहीं यूज करा था, और 7 को 2 बार, 14 को 2 बार लिखा था, याद है कि नहीं? बोलो इसमें क्या करेंगे? इसमें बेटा 1 को यूज नहीं करेंगे, और किसे यूज नहीं करेंगे? 5 को। इसमें 1 को और 5 को और 8 को यूज नहीं करा जाएगा, बस इतना ध्यान रखो। 7 को 2 बार, 14 को 2 बार, 158 यूज नहीं करोगे, 158 नंबर आप यूज नहीं करेंगे, 158 यूज नहीं करेंगे, बाकी 7 को 2 टाइम्स और 14 को 2 टाइम्स यूज करेंगे। क्या इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब बताओ मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान सुनो, 1 के बाद क्या आता है बेटा? 1 के बाद 2 2 2 के बाद क्या आता है? 1 आता है, फिर 1 आता है, फिर 1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है। ठीक है, 0 0 फिर आता है 1, फिर क्या आता है? फिर 0 0 0 0 0 0 1। मतलब भैया क्या लिखेंगे? 2 1 1 1, फिर 0 0 1, फिर 0 0 0, और लास्ट में ऐसा करके तुम्हें ट्रिक है, याद कर लेना पड़ेगा बस। समझ गया? पीएच में 2, फिर 1 1 1, 0 0 1, फिर सब 0, लास्ट में बिल्कुल 1। ठीक है, अच्छा 7s में क्या? चुपचाप आंख बंद करके क्या लिख दो? 2 2 2 2 2, क्योंकि इसमें तो 2 होते ही बेटा, इसमें तो तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। मेरे भाई जतिन, अगर तुमसे कहें कि बेटा यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ, तो बोल के बता सकते हो कितना होगा? बताओ बेटा। 5f3 6d 1 and 7s2। ठीक है, हो जाएगा 5f3 5f3, फिर 6d कितना आ जाएगा? 1, और 7s आ जाएगा 2। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लो और जल्दी से याद कर डालना। ठीक, डन सर। डन सर। डन अंकल सर, अरे वाह, क्या करो बेटा आकाश? हाँ, जैसा हमने लिखा है वैसे लिख लो, उसका ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम तुम्हें बता देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहीं पे लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हारा एक्टिनम जो है +3 शो करता है, लेकिन तुम्हारा थोरियम +3 शो नहीं करता है, बाकी जितने भी हैं वो सब तुम्हारे +3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ध्यान रखना। 14 के 14 एलिमेंट जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, कौन नहीं करता? थोरियम आपका +3 शो नहीं करता। अगर +3 नहीं करता तो क्या करता? +4 करता। +4 कहां तक के करते हैं? +4 आपके करेंगे बीके तक। ठीक है, बीके तक के एलिमेंट जो है +4 करेंगे, बाकी इसके सिवा कोई भी +4 नहीं करेगा। ठीक है, अब उसके बाद +5 कौन करता है? पी करता है। ठीक है, पी से लेके आपका सीएम तक जो है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बस इतना इस तरीके से बना लो, अगर तुम्हें चार्ट बनाना आ गया तो तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जल्दी करो, फिर इसकी प्रॉपर्टी लिखे, जल्दी करो भैया।
Yes, sir. No, sir. No, sir. चार के बाद थ्री ऑब्जर्वेशन शो करेंगे। नहीं बेटा, मैंने जैसे लिखा वैसे याद करो। हमने ये लिखा है कि ये वाले एलिमेंट जो है चार के बाद, मतलब ये वाले जो एलिमेंट है, मतलब पी के, ये जिसके नीचे लिखा वो देख लो ना, पी के नीचे पांच लिखा है, इसके नीचे पांच लिखा है, तो ये सब प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव भी शो करेंगे, जबकि प्लस फोर कौन से करेंगे, ये सारे प्लस फोर भी करेंगे और प्लस थ्री सारे करेंगे, बट ये वाले जो एलिमेंट है इधर वाले और इधर वाले, ये प्लस फाइव नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा वैसे याद करो। चलो अब इसका हेडिंग डालो प्रॉपर्टी, जल्दी से प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट हेडिंग पड़ जाएगी आपकी साइज। फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ जाएगी? साइज। ठीक है, साइज। साइज में क्या हम बताएंगे? हम साइज में लिखेंगे, तुम्हें पता ही हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पे एल है, राइट जाने पे साइज क्या होगा? डिक्रीजेस। साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो उसमें लिखा था वही यहां पे लिख देंगे, और उसे बोलते थे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे बताओ? इसे बोलेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यार इतनी बात तुम लोग समझ नहीं सकते हो क्या? बताओ है? इतनी आसान सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? बहुत yes, दूसरा पॉइंट बेटा देखो क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि ऑल आर पैरामैग्नेटिक, जितने हैं सबके सब कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक। इसमें कोई भी डायमैग्नेटिक नहीं होता, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तीसरी बात क्या है? ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल, सिल्वरी व्हाइट मेटल। ठीक है, ये वरी लिखा है, वरी पता ही होगा वरी का मतलब क्या है। ये पीछे चला जा थोड़ा, मुंह पे कैमरा घुसा हुआ है। अगला पॉइंट बोले, अगला पॉइंट क्या है? तीन के बाद क्या था बेटा? चार। अगला पॉइंट है, लिखो दे गेट टर्निश्ड, NISHED टर्निश्ड ऑन एक्सपोजर टू एल्कली। टर्निश मतलब चमक आ जाती है, चमकने लगते हैं एल्कली। जैसे एल्कली आप इन्हें दिखाओगे वाटर सॉल्युबल बेस, ये क्या करेंगे? चमकने लग जाएंगे, चमक आ जाएगी इनके चेहरे पर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ऑल आर रेडियो एक्टिव। अब ये वर्ड बड़ा खतरनाक है, सबके सब क्या करते हैं? एनर्जी को रेडिएट करते रहते हैं। और रेडियो के एलिमेंट की डिस्कवरी किसने करी बता दो, जल्दी नाम बताओ, किसने करी? मैडम क्यूरी। ये सब बातें तुम्हें कौन बताता है? मानशु सर। आप इतना लोड कर लिया बेटा? यस सर। चलो अगला पॉइंट लिखो दे रिएक्ट विद बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। ठीक है भैया, इतनी बात जल्दी से प्यारी प्यारी एकदम से लिख लो। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। गाने तो किसने बताया? मुझे तो बताइए, मेरी तारीफ करो। चलो जल्दी से, हो गया बेटा सबका? सबका हो गया ना? यस सर। चलो यस सर। हाँ जतिन बिल्कुल सही कह रहा हूँ। नो सर, बड़ी ये बात मैं पढ़ नहीं सकता। नहीं हुआ नोट कर लो। आकाश क्या ही करे, तुम ही तो असली स्टूडेंट हो, इतनी तारीफ तुमने जितनी की थी तो आज तक मम्मी ने नहीं करी। yes, sir. चलो सेवेंथ पॉइंट बेटा लिख लो, लिखो ऑल आर रिएक्टेड विद नॉन मेटल्स एट मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है,
आकाश बस तुमने एकदम ना मम्मी नहीं करती यार, सही बताया आकाश बेटा। पता टाइमिंग क्या, हम आपको टाइमिंग बताते हैं। सुबह मॉर्निंग में मेरी सुन लो यार, तुमने इतनी बात बोली, थैंक यू अश्मिता। अभी क्लास ओवर गई हुई, अभी क्यों तुम लोग बोल रहे हो भाई, गुड नाइट क्यों बोल रहे हो, रुक तो जाओ। चलो ठीक है, तो लिख लिया मॉडरेट टेम्परेचर। और आठवां पॉइंट बेटा लिख लो, आठ पॉइंट लिखो ऑल आर रिएक्टेड विद HCl, ठीक है, बट अफेक्ट विद HNO3, ठीक है, HCl से रिएक्ट करते हैं और भैया HNO3 के साथ इनके इनमें अफेक्ट दिखता है, मतलब ये क्या करते हैं उसे ट्रीट करते हैं उसके साथ, ठीक है, रिएक्शन करते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशन शो होते हैं। अरे नवीन यार कैसी बात करती है यार, खुश रहो यार, थैंक यू सो मच बेटा। यार हम तो लखनऊ से बेटा, चैप्टर फिनिश, हाँ चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका DNF ब्लॉक चैप्टर जो है वो हो गया भैया फिनिश, DNF ब्लॉक जिसका एक हुआ बना हुआ था मार्केट में, अरे यार ये तो बहुत बड़ा ऐसा चैप्टर वैसा चैप्टर, वो पूरा फिनिश। DNF ब्लॉक चैप्टर जो है वो हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, चलो ठीक है, हाँ वी कैन से दैट समाप्त, ठीक। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लगाओ और चैप्टर को जब तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर बेटा कर लोगे, देन हम लोग क्या करेंगे, देन हम लोग, अच्छा हाँ अब इसके बाद एक बात और बता दें कि अब क्या बताना है, भूल गया हूं, हाँ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे वो कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर बेटा उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहां तक आपने पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, हम फिर भी आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और अच्छे से, ठीक है, छूटेगा बिल्कुल भी नहीं, आपका परेशान ना हो। और कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो पेशेंस रखना, जल्दबाजी मत करना, ये नहीं हमने दो लेक्चर लिए सर कब खत्म हो रहा है, कब ये मत करना, तुम्हें पता है कि हम चैप्टर में वैसे भी टाइम लगाते हैं, ठीक है, हम आपको जल्दी से बढ़िया से करके देंगे क्योंकि हमें चीज समझ में आनी चाहिए ना जल्दबाजी में। अब देखो डी ब्लॉक में बेटा 5 लेक्चर लिए हैं बट तुम्हें समझ में सब आया होगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हमें तो समझ में नहीं आया, अगर किसी को दिक्कत है तो पर्सनली मुझसे बोल सकते हो। चलो टाटा बाय बाय, खा पी के सो जाओ, बाय बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय बाय बेटा, गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय, बाय सर।